गया इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बेकोपुर में डोर टू डोर कचरा का उठाव होगा। लोहिया स्वच्छ विहार अभियान फेज टू का हुआ उद्घाटन। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार और मुखिया मेहरे अंगेज खानम पति रियासत नवाज उर्फ छोटन खान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मौके पर महिला मुखिया मेहरे अंगेज खानम ने बताया कि शहरों जैसे अब गांव में भी डोर टू डोर कचरा उठाव शुरू होगा। यह लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज टू के तहत इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बेकोपुर पंचायत में सभी वार्डों से उठाव होगा। साथ ही गीला एवं सूखा कचरा स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाया। शहर की तरह पंचायतों में भी कचरा उठाव के लिए हर गांव के हर घर में हरा और नीला डस्टबिन वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा एवं पैदल रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज हमारे ग्राम पंचायत बीकापुर में आप लोग पधारे, कुछ दिन पहले भी आप लोग आए थे, मुझे याद है। मैं यहाँ पर दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था इस पंचायत को, उस समय भी आप लोग आए थे। अब फिर एक ऐसा मौका आया है, ब्लॉक में दो पंचायत का चयन होना था जिसमें मेरा पहली पंचायत का चयन हुआ लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। इसी अभियान के अंतर्गत पहले हम लोग परसों भी मॉक ड्रिल किए थे, मेला था, कद्दू है, सारा लेकर के हम लोग घूमे थे। सब सफाई का पहले से भी हम लोग ध्यान रख रहे थे, लेकिन अब जो ये चीज आ गया लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो मेरा पंचायत जुड़ा, इसमें हमको बहुत बल मिल रहा है। पहले भी मैं अपने पंचायत को बहुत चकाचक करके रखता था, अब तो खैर कहने की बात ही नहीं है। आपको ये एक जरका भी हमारे पंचायत में किसी गली में नहीं मिलेगा। शहर के तर्ज पर एकदम बिल्कुल नगर निगम से टॉप फैसिलिटी दे रहे हैं और उससे और टॉप देने के पूरा पूरा और प्रयास कर रहे हैं कि उससे बढ़िया हो। डोर टू डोर हमें कचरा उठाना है, सारी गली हमने लगभग साफ करा दिया है, पूरा साफ सफाई अभियान चलाए हुए हैं, लगातार चल रहा है मेरा। लोग को जागरूक भी किया जा रहा है। कूड़े से क्या बनेगा? कूड़े से खत्म बनेगा। हम लोग डंपिंग सेंटर हमारा 5 नंबर वार्ड में बना है, डब्ल्यूपीओ सेंटर जिसको हम कहते हैं, वहाँ से हम लोग उस कचरे को उठाएंगे और उठा करके ट्रक से उसको हमारा बना है इमामगंज में, बना है गया में भी एक बना है, वहाँ पे ये लोग जाकर प्लांट करेंगे, वहाँ से खाद बनेगा या जो प्लास्टिक है या जो और जो कचरा है भिन्न भिन्न किस प्रकार से जो यूज में आता है वो यूज में दिया जाएगा वहाँ से। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ही है, मैं भारत सरकार को इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे पंचायत का चयन किया। और मैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी बहुत आभारी हूँ, यहाँ के जो DC है, जो स्वास्थ्य जिला प्रभारी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे पंचायत को चयन किया और कुछ काम करने का एक मौका हमें मिला है। मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सरकार की हरेक महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में पूरा पूरा सफल होगा। मेरा नाम रियासत नवाज छोटन खान है, मैं यहाँ बीकापुर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। यहाँ के मुखिया माननीय श्रीमती मेहरंगेज खानम है। इसके तहत घर घर कचरा उठाव के तहत डस्टबिन और ठेला गाड़ी वगैरह का हम लोग अभियान शुरू किया है। हर एक वार्ड में ठेला गाड़ी जाएगी और घर घर से कचरा जो है हर एक घर से वो उठाव करते हैं, और WPU सेंटर का जो उद्घाटन किया गया यहीं पर लाके वो संग्रहित किया जाएगा। प्रखंड में पहली बार? नहीं, प्रखंड में हाँ पहली है। कल पकड़ी गुड़िया का भी हुआ, आज बीकोपुर का हुआ है। दो पंचायत को पहले चयनित किया गया है, सेकंड फेज में जो है 4 पंचायत को चयनित किया गया, उसी प्रक्रिया के तहत वहाँ पर भी WPU का निर्माण किया जा रहा है और डस्टबिन वगैरह सूखा कचरा और गीला कचरा उठाव के लिए डस्टबिन का भी घर घर वितरण किया जाएगा। ये सूखा गीला कचरा का क्या इस्तेमाल किया जाएगा? उसको हम लोग अलग अलग यहाँ इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके जो सरकार का निर्देश है प्रोसेसिंग के तहत हम लोग उसको छटनी करके उसका करेंगे। शिकायत में उसके लिए कर्मी बहाल किया गया है जो अपने अल्पकालिक कार्य सुबह 6 बजे से 5 बजे से जो भी समय निर्धारित पंचायत के द्वारा किया जाएगा 10 बजे तक वो कचरा उठाव करेंगे और उसके बाद वो अपना काम भी करेंगे।